शहर में हर ओर पोले की धूम रही है। आपको बता दें कि पूरे नागपुर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सबसे बड़ा पोला पांच गांव में भरता है। आपको बता दें कि कृषि में बैलों का महत्व सबसे ज्यादा होता है और इसी के साथ किसानों को भी इस दिन खास महत्व दिया जाता है। किसान भाई कई दिनों पहले से ही अपने बैलों के साथ सजावट शुरू कर देते हैं। इस दौरान बैलों की सजावट देखते ही बनती है, तो वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे लकड़ी के बैल लेकर खुशी में झूमते हुए नजर आए। पेश है पोले की एक झलक। पोला एक ऐसा त्यौहार है जिसे महाराष्ट्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पोले में सबसे बड़ा महत्व खेत में काम करने वाले बैलों का होता है। किसान का सच्चा और अच्छा मित्र खेती में काम करने वाला बैल ही होता है। सुबह से लेकर रात तक बैल खेतों में काम करते हैं। 365 दिन में से एक दिन ऐसा होता है जहां बैलों को काम से छुट्टी दी जाती है और वो दिन पोले का होता है। पोले के दिन बैलों को खूब सजाया जाता है और पोले के मेले मिले जाया जाता है। ऐसे ही एक पोले का भव्य कार्यक्रम तहसील उमरेड के अंतर्गत आने वाले पांच गांव में हाल ही में संपन्न हुआ। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये है परशा और सरंजा की बैलों की जोड़ी, जिन्हें इनके खेत मालिक ने खूब सजाया है और भव्य पोले कार्यक्रम में लाया है। परशा सरजा बैलों की जोड़ी जैसे ही सैकड़ों बैलों को यहाँ पर लाया गया है। पांच गांव के गाँव वालों ने सभी बैलों की पूजा अर्चना की। इस मौके पर ढोल ताशे पर कई लोग थिरकते हुए नजर आए। बड़े पोले जैसे ही छोटे पोले के लिए भी तान्हा पोला आयोजित किया गया था। पांच गांव के सैकड़ों बच्चे सज धज कर अपनी लकड़ी के बैलों के साथ तान्हा पोले में आए हुए थे। इस मौके पर पांच गांव के सैकड़ों नागरिक मौजूद थे। शहर से ज्यादा ग्रामीण परिसर में तान्हा पोला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर छोटे बच्चे बड़े ही खुश नजर आए। तान्हा पोले में भाग लेने वाले बच्चों को ट्रॉफी देकर उनका हौसला अफजाया किया गया। पुरस्कार मिलते ही बच्चे खुशी से फूले नहीं समाए रहे थे। इस मौके पर तान्हा पोले में हिस्सा लेने आई एक छोटी सी बच्ची निविदा जुमनाके ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से पोलासुर नामक असुर का वध किया था। उस दिन भादो अमावस्या थी, इसीलिए हम पोला सेलिब्रेट किए जाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पहले को धन्यवाद देने के लिए हम पोला सेलिब्रेट करते हैं। जय जवान जय किसान, हैप्पी पोला। भारत ये कृषि प्रधान देश है। आज भी कई लोग खेती के काम पर निर्भर हैं। दिन रात खेती से जब किसान अपने काम करते हैं, तब कहीं जाकर हमें अनाज की बड़ी पैदावार मिलती है। खेत मालिक, खेतों में काम करने वाले मजदूर और बैलों की कड़ी मेहनत से ही हम आज अनाज का आनंद उठा पा रहे हैं। ऐसे किसान और उनसे जुड़ी हुई तमाम सहयोगियों को बड़ा पोला एवं तान्हा पोले की बीसीएन न्यूज परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बीसीएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुभाष पुटले के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।